मुकाबला 10 सितंबर को होने जा रहा है। जो जंग हम अधूरी छोड़ गए थे 2 सितंबर को, जब इंद्र देवता बेचारे मेहरबान हो चुके थे और बारिश आ गई थी, दोनों ही टीम्स को एक एक पॉइंट्स मिल गए थे। अब वो जंग जो हमने छोड़ी हुई थी वो वापस से दोबारा से 10 सितंबर को देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि 10 को भी कोलंबो में आर प्रेमदासा स्टेडियम में ये मुकाबला होगा, यानी कोलंबो में 10 तारीख को भी बारिश के पूरे आसार है, 80 से 90% बारिश हो सकती है। इसीलिए एसीसी ने ये डिसाइड करा कि 11 तारीख को रिजर्व्ड डे रखा जाएगा। उसके बाद बवाल कटना शुरू हो गया। वो बवाल इसलिए कट रहा है क्योंकि सिर्फ आपने इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए सुपर 4 में रिजर्व्ड डे करवाया और बाकी किसी मैच के लिए आपने रिजर्व्ड डे नहीं करवाया। इसका साफ साफ यही मीनिंग है कि आपको एशिया कप में सारी जो टीम्स है उनको लेकर ऐसा एटीट्यूड है कि आप भाड़ में जाए, इन टीम्स का मुकाबला धुल भी गया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया पाकिस्तान होना चाहिए क्योंकि पैसा वहां से ज्यादा आता है। तो इसी चीज पर, अब इसी चीज, इस मुद्दे पर वेंकटेश प्रसाद ने अपनी राय रखी है। ट्वीट करके उन्होंने सभी को जवाब दिया है। क्या कुछ वेंकटेश प्रसाद ने कहा है सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। दरअसल सबको मिर्ची लगी जब सबको ये पता लगा कि भैया रिजर्व डे जो है सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए, बाकी श्रीलंका बांग्लादेश के मैचेस के लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं रखा गया है। सब लोगों को मिर्ची लगी, किसी को इनजस्टिस ये लगा कि भैया अनफेयर है ये चीज, तो आप भारत पाकिस्तान को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, तो किसी को ये चीज ठीक भी लगी कि भैया भारत पाकिस्तान से ज्यादा पैसे आते हैं, तो एसीसी इसीलिए उन दोनों टीम्स के बारे में सोच रहा है। सबको मिर्ची लगी, लेकिन दो टीम्स जो थी, मतलब जिनको ज्यादा मिर्ची लगी है, वो है बांग्लादेश और श्रीलंका। अब सोशल मीडिया पे ये दोनों ही जो टीम्स है इनके मेंबर्स, हालांकि खिलाड़ी की बात नहीं कर रही मैं, बट मेंबर जो है इन दोनों देशों से एसोसिएट हैं, जुड़े हुए हैं, वो लोग एसीसी को ट्रोल कर रहे हैं। इसी कड़ी में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी इसकी जानकारी दी, एक ट्वीट करा कि रिजर्व डे ठीक है इतना 11 तारीख को रिजर्व डे है, आखिरी में उन्होंने लिखा लेकिन हमारे मैचेस के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है या अनफेयर है, ऐसा कुछ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ट्वीट करा। इसी के रिप्लाई में वेंकटेश प्रसाद भी कूद पड़े और उन्होंने रिप्लाई करा, जो आप आई एम श्योर अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उन्होंने रिप्लाई करा कि देखिए आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है क्या कि आप एसीसी को जाकर अपनी बात रख पाए, आप एसीसी से जाके परमिशन ले पाए कि भैया हमारे मैचेस के लिए भी रिजर्व डे करवाइए, क्या आप अपने आप को इतना कम शक्तिशाली समझते हैं, आपको वहां पे जाके आपको अपनी बात रखनी नहीं चाहिए थी क्या। साथ ही वेंकटेश प्रसाद ने यह भी कहा कि देखिए आप यह मत सोचिए कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला अगर धुल गया तो क्या होगा क्या नहीं होगा, बल्कि आप खुद पर फोकस करिए कि अगर श्रीलंका का मुकाबला धुल गया तो आप क्वालिफाई फाइनल के लिए कैसे करेंगे, यानी ऑल इन ऑल आप अपने काम से काम रखिए, दूसरों की टांग में टांग मत अड़ाइए, ये कुछ वेंकटेश प्रसाद ने कहा है। आप जानते हैं बहुत ही बड़बोले हैं, चाहे वो केएल राहुल का मुद्दा हो या फिर वो आकाश चोपड़ा का मुद्दा हो। अब कमेंट्स करके अपनी राय मुझे जरूर बताइए और आपको भी क्या लग रहा है कि यह अनफेयर हुआ है इंडिया पाकिस्तान के लिए, खाली आपने रिजर्व डे रखा और बाकी टीम्स के लिए नहीं रखा, तो क्या ये एसीसी ने एक अनफेयर चीज, एक अनफेयर डिसीजन दिया है या फिर नहीं, कमेंट्स करके मुझे अपनी राय जरूर बताइए।